आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाए तो इसमें क्या क्या काम हो रहे हैं आज हम उस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि क्या क्या काम नहीं होते हैं उसको लेकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और बार बार ये चीज़ें भी दिखाई जाती है, जो चीज़ें नहीं होती वो दिखाई जाती है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या क्या चीज़ें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा हो रही है। इसी सब चर्चा के लिए हमारे से जुड़े हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर अवनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जिस तरह से बात की जाती है म्युनिसिपैलिटी की या जीएमसी की बात की जाए या जीएमसी की बात की जाए, हमेशा से सुर्खियों में रहता है कि ये काम नहीं हुआ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बात वहीं पर होती है जहाँ काम हो रहा होता है। आपका क्या कहेंगे आप इसको लेकर? हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि कमियाँ निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन पूरे सिस्टम को समझ के, प्रोसेसेस को समझ के गवर्नमेंट में काम करना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों को साथ लेके जो काम हुए हैं, आई थिंक दोज शुड बी टोल्ड टू द पीपल, और लोगों को इनफैक्ट अपने आप कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए इन सब इनिशिएटिव्स को एक सक्सेस बनाने के लिए। जी, जिस तरह से भी हाल ही में 14 ई सर्विसेज की बात हुई म्युनिसिपैलिटी द्वारा चलाई गई, जिसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट की बात की जाए, डेथ सर्टिफिकेट की बात की जाए, एनओसी की बात की जाए, तो लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना रहता था और कहीं ना कहीं करप्शन जो है उसमें वो चलती थी, क्योंकि एक बंदे ने जल्दी अगर करवाना, क्योंकि सबको रहती है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो उन सब करप्शन से निजात पाने के लिए जो 14 ऑनलाइन सर्विसेज लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रिस्पांस अभी तक आपको मिला इन कुछ दिनों में? इसमें रिस्पांस अच्छा है, लोगों ने अप्लाई किया है, उनका विद इन 1 to 3 days डिस्पोजल भी हुआ है। तो हम जो हमारा बैक एंड रिस्पॉन्स है उससे तो आई वुड से इट इज़ अ सक्सेस, लेकिन हाँ, इसमें और अवेयरनेस करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को पता चले। इसमें दो तीन चीज़ें हैं, क्योंकि ये एक नया सिस्टम है, हम जो मैनुअल अभी सिस्टम है बर्थ डेथ सर्टिफिकेट का, उसको इमीडिएटली बंद नहीं किया है, हम उसको 2 से 3 हफ्ते का एक ट्रांजिशन पीरियड दे रहे हैं, ताकि एक ये सिस्टम सेट हो जाए तब सिर्फ ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। लोगों को अवेयरनेस, नॉट जस्ट कि ऐसा है पर कैसे करना है अप्लाई, अगर क्योंकि कई लोग होते हैं वो इंटरनेट और इस सब चीज़ों से इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उसके लिए अवेयरनेस, उसके लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स हम कुछ हैं जो शहर में खोलेंगे इन द नेक्स्ट मंथ और फ्यू वीक्स, ताकि जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि ये 14 ई सर्विसेज किस तरह से काम करती है, अगर आपको गूगल पे भी जाना है तो कहाँ पे जाना, कौन सी साइट पे जाना, उसकी अवेयरनेस के लिए बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस भी, और जैसे मैंने कहा फैसिलिटेशन, कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो वहाँ जाके हमारे एम्प्लॉयज़ उनकी मदद भी कर सकते हैं। जम्मू की ब्यूटिफिकेशन की बात की जाए तो म्युनिसिपैलिटी द्वारा बड़ा काम किया गया है, इस पर काफ़ी काम अभी चल रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात की जाए, इस पर भी काम चल रहा है, तो अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? ब्यूटिफिकेशन की इन आइसोलेशन तो हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन एक जो एस्थेटिक वो है, उसके साथ साथ जो हमारा माइंडसेट है, जो हमारे यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सर्विस डिलीवरी है, एक जनरल सैनिटेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वो सब एक जुड़ा हुआ है, एंड एवरीथिंग टुगेदर मेक्स अ सिटी ब्यूटिफुल। तो लेकिन जो ब्यूटिफिकेशन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे साइनेजेस लग रहे हैं, जैसे वर्टिकल गार्डन्स लगे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर, देन स्मार्ट सिटी के साथ जुड़कर जेएमसी ने बहुत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काम किए हैं, आगे भी हम कर रहे हैं। तो ये सब ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन मैं बार बार यही कहती हूँ कि जब तक लोग कचरा इधर उधर फेंकना नहीं बंद करेंगे, डस्टबिन में ही कचरा फेंकें, घर जो आपके घर डोर टू डोर कलेक्शन के लिए ऑटो आता है उसको सेग्रीगेटेड वेस्ट दें, ये सब चीज़ें स्मार्ट सिटी और ब्यूटिफिकेशन में जो इसमें लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा, अल्टीमेटली दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा कई सारे काम किए जाते हैं, लेकिन लोगों का जो सहयोग है वो नहीं मिल पाता है डिपार्टमेंट को, उस वजह से भी हम कह सकते हैं कि कोताही बरती जाती है, कि डिपार्टमेंट द्वारा काम नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं दोनों का काम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट इसमें हो सकता है शायद हमारी भी थोड़ी कमी है कि हम लोगों में अवेयरनेस का इतना नहीं करते जितना हम हमें करना चाहिए, बट वो तो है, कमियां तो रहती ही हैं। वर्टिकल गार्डन की बात की तो इस समय अगर हम वहाँ पर, पहले जब हमने उस पर कवरेज भी की थी तो वहाँ पर वर्टिकल गार्डन जो है, मतलब कि वहाँ पर जो पौधे वगैरह वो लगा दिए, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो वो पूरे प्रॉपर तरीके से मेंटेन्ड नहीं है। नहीं, वो अभी प्रोजेक्ट कम्प्लीट नहीं है,
उसमें नीचे जो जो कुछ मिट्टी और वो सब है वो हटाना बाकी है, थोड़ा वहाँ लैंडस्केपिंग होगा, तो दैट प्रोजेक्ट इज़ नॉट कम्प्लीटेड जी। वो हो जाए जिस तरह से कोरोना के केसेस जो है जम्मू कश्मीर में बढ़े, जम्मू की बात की जाए तो पिछले 3 दिनों में 124 केसेस देखने को मिले हैं, तो सैनिटाइजेशन को लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है? देखिए सैनिटाइजेशन जो है पिछले एक साल से कोरोना जो आ रहा है, वी हैव रियलाइज्ड एंड आई मीन बाय वी आई थिंक द होल वर्ल्ड हैज़ रियलाइज्ड कि ये एक पर्सनल सैनिटाइजेशन ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे पब्लिक प्लेसेस की सैनिटाइजेशन, खासकर कि जब लॉकडाउन नहीं है, जब सब आ जा रहे हैं, वो एक चैलेंज है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी दैट दे शुड मेंटेन पर्सनल सैनिटाइजेशन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू फॉलोइंग द प्रैक्टिसेस कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपने आप को, जैसे वो हैंड वॉशिंग है, मास्क पहनना व्हेन यू गो टू अ पब्लिक प्लेस, एंड आई एम नॉट वेयरिंग अ मास्क बिकॉज वी आर इन अ प्राइवेट प्लेस, लेकिन अगर हम कहीं भी जाते हैं बाहर किसी भी क्राउडेड जगह या किसी से हम बहुत नज़दीक से मिल रहे हैं जुड़ रहे हैं, प्लीज़ मास्क पहन जी। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बात होती है, जब लोगों को कोई शिकायत होती है, चाहे डिपार्टमेंट की बात की जाए, कभी ऐसा भी होता है कि आप तक वो शिकायत पहुँच ही नहीं पाती है, तो क्या कोई ऐसा एक ग्रीवेंस सेल या कोई ऐसा कोई ग्रीवेंस बताने के लिए कोई एक नंबर आपके द्वारा जारी किया गया जिसमें लोग डायरेक्ट जो है आपसे शिकायत कर सकें? जो हमारे वेबसाइट पे कंप्लेंट्स आती हैं उसका मैं रिव्यू पीरियोडिकली करती हूँ एंड वी रिजॉल्व मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स, वो प्रॉब्लम नहीं है। एंड इवन ईमेल पे लोग भेजते हैं, हम 100% मैं जो ईमेल पे सब देखती हूँ। सो बाकी जैसा हमने शुरू से अभी तक बात किया है, कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं जो रह जाती हैं, एंड इन सच अ बिग सिस्टम आई थिंक वी एक्सेप्ट दैट कि 100% एड्रेस मुश्किल होता है। हमारे मीडियम से जो भी दर्शक देख रहे हैं आने वाले समय में क्या कहेंगे कि जम्मू की ब्यूटिफिकेशन को लेकर किस तरह से काम किया जाएगा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे किस तरह से काम किया जाएगा? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में दो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, एक है कि हम कितनी ज़्यादा IT इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करने में, सिस्टम्स इम्प्रूवमेंट एंड सिटीजन्स को सर्विस डिलीवरी में, ये एक बहुत ज़रूरी कॉम्पोनेंट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी कॉम्पोनेंट है, ब्यूटिफिकेशन एक बहुत ज़रूरी कॉम्पोनेंट है, ये कुछ बहुत ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं। देन पार्किंग को इम्प्रूव करना, ये एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है एंड मेरे ख्याल से लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। पर यही बात मैं फिर से यू नो एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग मैं फिर से कहूँगी कि लोगों को जब भी कोई प्रोजेक्ट है साथ देना है, डिस्प्यूट्स क्रिएट नहीं करने हैं, कभी जगह छोड़नी पड़ती है फॉर डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल कोई टॉयलेट बनना है तो जगह देनी पड़ती है, तो हमें ऐसी चीज़ों में आगे आके फॉर द लार्जर गुड अपना पर्सनल कन्वीनियंस सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद अवनी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर अवनी जी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि गवर्नमेंट द्वारा जिस भी प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है वो जम्मू वासियों के हित के लिए होता है। कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो जिन भी प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाता है वो लोगों के लिए किया जाता है, अगर ज़रूरत है तो लोगों की सहयोग की ताकि उस प्रोजेक्ट को और ज़्यादा सक्सेसफुल बना जा सके। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ, मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।